ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के जमा मस्जिद के बाहर प्रदर्शन मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। पैगंबर मोहम्मद पर दिए गए बयान को लेकर बीजेपी की निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग करते हुए शुक्रवार को प्रदर्शन किया गया था और इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोग जुटे थे। प्रदर्शन को लेकर कोई अनुमति नहीं ली गई थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया था। वहीं पुलिस उपायुक्त श्वेता चौहान ने कहा है कि देर रात दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है और साथ ही मामले में धारा 153A जोड़ी गई है। पहले धारा 188 के तहत केस दर्ज किया गया था, तो दो लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। दिल्ली पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। शुक्रवार को जमा मस्जिद के बाहर प्रदर्शन जिस तरह से हुआ था, हिंसा की गई थी वहां पर दिल्ली के जमा मस्जिद के बाहर। प्रदर्शन में जो लोग शामिल थे उनमें से फिलहाल दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस पूछताछ कर रही है, आगे की कार्रवाई में लगातार जुटी हुई है पुलिस। तो बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, बड़ी जानकारी टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। दिल्ली पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है, पूछताछ की जा रही है, मामले की छानबीन की जा रही है कि जब प्रदर्शन करने की अनुमति यहां पर नहीं दी गई थी, परमिशन नहीं ली गई थी, तो फिर आखिर किसके कहने पर ये प्रदर्शन हुआ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।